तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग, तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम करेंगे बाइकर के साथ प्रैंक। आप देख सकते हो अभी वीडियो में। तो फिलहाल गाइस ये बाइक मेरे दोस्त की है, और भाई साहब कैमरा एंगल आप देख सकते हो तेरे की। अरे मैंने देखा ही नहीं यार, ना तो इसमें रिकॉर्डिंग हुई है ना कुछ। तो यार क्या कर सकते हो, मैं क्या ही बोलूं यार, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। क्योंकि यार मुझे नहीं पता था कि KTM उसके में ऐसा एंगल आएगा। मैंने सोचा अरे भाई बढ़िया बन रहा होगा व्लॉग, तो भाई उसने जो माइक लगाया हुआ था वो भी नहीं चल रहा था। तो ये मैं अभी बाद में श्रीनगर हूँ और गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ वॉइस ओवर, और सोचा यार चलो इतना टाइम बर्बाद किया उस दिन, चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, हम अभी जा रहे थे वहाँ पे जसरोटा माता, वहाँ पे डैम है, और हमने सोचा वहाँ डैम पे जाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारे बाइकर आते हैं और उनके साथ करूँगा मैं प्रैंक, आप देख लो अभी। तो फिलहाल हम अभी चल रहे हैं। तो भाई आप कैमरा एंगल देख के मुझे गाली बकोगे, लेकिन यार सॉरी यार, इसके लिए मैं क्या कर तो सकता हूँ। गाइस हम अभी पहुंच अरे चुके हैं यार ऐसी वाली मुझे जगह क्या पे। पता तो था भाई यार, मैंने KTM जो मैं चला रहा हूँ भाई, इतना मुझे आदत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे। पड़ी हुई थी, मैं पहले मेरे सोच पास रहा भी हूँ कि KTM थी, गाड़ी लेकिन तोड़ भाई दूँ, आज लेकिन मैं नहीं, दोस्त का बाइक लिया तो बहुत भाई पीटूंगा मैं। ये जगह तो भाई तो मैं गाइस रोड से हम अभी बाहर ही जा हो रहे गया था हैं। लीन करते हुए, क्योंकि भाई आदत नहीं रही। तो चलो खैर, तो भाई यार बहुत बुरा हुआ यार इस व्लॉग में, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई ना, कसम से क्या ये बताऊँ यार। चलो एक और भाई ने भी व्लॉग बनाया है मेरा, वो उस चैनल पे लिंक में इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। तो ये तो मैंने वॉइस ओवर की हुई है। तो गाइज यार मैं आपको ये बता दूं यार, जब मैं घर पहुंचा ना, कसम से मैंने पूछा अरे भाई बहुत अच्छा व्लॉग बना होगा। तो घर जाके जब तो मुझे गाइस पता हम चला अभी कि यहाँ आए रिकॉर्डिंग हुए नहीं थे हुई डैम पर, है, और तो आप देख तेरी सकते हो हम बहन अभी का यहाँ पे खोपरा। जसरोटा वाली अरे माता भाई क्या के ही पास बोलूं, जो मेरे डैम है बहुत गुस्सा वहाँ, आया मुझे यार। और आप देख सकते चलो हो अभी सोचा यार, डैम फिर कितना मैं है आगे कितना है, श्रीनगर, मैंने सोचा वहीं और वो करेंगे पीछे वॉइस डैम। ओवर तो और आप व्यू उसमें देख डाल सकते हो देंगे। गाइस, तो अभी देख क्या कर सकते हो सकते अभी हैं, ये आप देख सकते हो वहाँ अभी मैं मैं कहाँ मछलियां से दिखाता काट हूँ। रहा हूँ बाइक। अरे भाई अरे, अगर तो आगे देख हो लो या गाइस, आप पीछे से देख कहीं से सकते भी हो गाड़ी आ नीचे जाती तो मछलियां। थूक जाती इधर, देखो गाइस क्योंकि यार लीन ये करता मछली था ऊपर पहले नीचे मैं। हो रही है, तो ये अभी देखो, यार ये कहाँ रह देखो गया गाइस, यार ये ऐसे, ऊपर को भागने की कोशिश उम्र कर के रही है लेकिन हिसाब नहीं से। जा पा। अरे भाई रोक, साइड पे लगा बाइक, मैंने एक सेल्फी लेनी है यार। भाई आपकी बाइक मुझे बहुत पसंद आई। अरे साइड में लगा ले भाई, अरे तू भी तो लगा ले साइड में, तुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या, लगा साइड में। अरे भाई लगाता हूँ लगाता हूँ। तो भाई करना क्या है यार आपसे, ये बाइक टूटी हुई है यार, इसमें हम सेल्फी नहीं लेंगे। अरे भाई, अरे मुद्दा खराब हो जाएगा भाई, क्या करते हो आप लोग। हम इस पे लेंगे सेल्फी, और ले दो भाई एक सेल्फी लेनी है यार, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। मुझे आप लोग कहाँ भाग रहे थे इधर उधर, जय भई 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 भई, पूरी दुनिया चुपचाप करके बैठी है। आप लोग बहुत भगाते हो बाइक, सुना है मैंने। तो अभी खींचो फोटो मेरा, जल्दी करो। अरे कैमरा ऑन ही है, अनलाइक कर दे फोन को, खुला ये फोन। बाइक जबरदस्त फोटो खींच रही है, ऐसे लगे सलमान खान आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो भाई बात ऐसी है, मुझे थोड़ा सा इतने तक बाइक चलाने दो, दे दो यार भाई। यार ये पसंद आ गई मुझे बाइक यार, मेरे पास भी ऐसी थी यार। यार देख लो यार भाई, मुझे देख लो यार, मैं चाबी नहीं दूंगा यार अगर आप लोग बाइक नहीं दोगे। देख धक्का मुक्की हो जाएगी, फायदा कोई नहीं है, ऐसे पिट पुट जाओगे यहाँ, है ना। और जाओ फिर, मैं नहीं दे रहा भाई। अरे मैं लगा भागने, अरे भाई मैंने बोला था ना बाइक दे दो यार, आप लोग ऐसे ही क्या करते हो यार, थोड़ा सा बाइक दे। अब अभी मान गए, पहले मान जाते तो इतना थोड़ी कुछ होता। अरे यार कमाल की बात कर रहे हो यार, ये भाई दौड़ नहीं सकता था क्योंकि इसकी टांग में लगी हुई थी, और मैंने इनको बहुत भगाया। ये जो मुझे पकड़ के लाया, इसको मैंने बहुत ही भगाया। अरे टट टट टट, मैं शुक्र करो अभी मैं कहीं झड़ियों में नहीं भागा, नहीं तो इनका गुत्ता काट जाता इधर ही। और तुम्हारे भाई ने बाइक चलाई, फिर ये पीछे वाला रोने लगे, अरे भाई आस्ता चला ले। अरे मैंने बोला यार क्या करते हो यार तुम लोग, ये बड़े बोल रहे थे तेरे पास लाइसेंस है, ये है वो है। मैंने बोला अरे भाई जितनी तुमने बाइक चलाई नहीं होगी उतनी मैंने बाइक उड़ाई है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बाइक चलाने दी, और फिर मैंने, और यार चलाने क्या दी, ये जो दूसरा लड़का था ये बोल रहा था अरे भाई बहुत तेज चला रहा है तू उतर। फिर मैंने रोक दी बाइक, मैंने जा यार तू क्या बात करता, मुझे ऐसे ही समझा तू उल्लू समझ रही। तो कह रहा नहीं मैं पीछे बैठूंगा, मां ठीक है पीछे बैठ जा फिर।
तो चाबी नहीं देनी थी मैंने, तो चलो दे दी यार, इन पे मैंने खौफ खा लिया। मैंने बोला चलो यार क्या कर सकते हैं, अभी तंग नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। तो गाइज ये हुआ हमारा प्रैंक और बहुत ही बढ़िया हुआ। तो अभी मैं इनके पीछे बैठूंगा और लास्ट में इनको लगा लूंगा, अरे जाओ निकलो, तुम्हारी बाइक ऐसी है वैसी है रे। तो गाइस हमें अभी रास्ते में R15M मिली और हमने इसकी टेस्ट राइड ली और हमने देखा भाई कैमरा एंगल फिर से वैसे ही आ रहा था। तो मैंने सोचा अरे क्यों ना भाई टेस्ट राइड ले ले, क्योंकि यार इनके साथ हमारी पहले रेस हुई थी और इन्होंने बाइक रोक दी और बोला अरे भाई यार हम क्यों मराना चाहते हो यार हमें। हम चलो हमने सोचा चलो यार अगर रेस नहीं करते हम आपके बाइक की टेस्ट राइड लेते हैं, और हम ले रहे हैं अभी टेस्ट राइड। तो बाइक अच्छी थी, लुक वाइज अच्छी थी, लेकिन यार इसमें पावर की बहुत कमी थी। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मैंने भगाई नहीं इतनी तो ऐसे, लेकिन बाइक अच्छी है यार, माइलेज इसका अच्छा है और टॉप एंड भी अच्छा है। तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं है इतनी, मुझे लगता है यार RS बहुत कंफर्टेबल है, मैं अभी RS ही लूँगा, क्यों ना कि अभी हम जाएंगे। तो गाइज हम अभी पहुँचने वाले हैं यामा की एजेंसी में और यहाँ पे हम पूछेंगे रेट, और हमारा जो भाई है हमें, तो अभी हम पहुँच गए यामा के शोरूम में और यहाँ पे हमने बाइक लगाई और हमने पूछा यार R15M का हम प्राइस पूछेंगे, और मैंने बाइक बोला अरे भाई ले दे बाइक यार, अरे छोड़ मुझे ले दूंगा मैं। तो भाई ने बोला ले दूंगा, और यहाँ कोई नहीं था, भाई ने उनको बहुत आवाज़ें लगाई और उसके बाद